अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे धनबाद में, तो ससुराल, पहले ससुराल, फिर उधर से मायके और सारा जगह घूम के फिर लास्ट में यहाँ पे आ गई हूँ। और मन बहुत ख़राब लग रहा है मेरा, सिर्फ मेरा नहीं उन लोग को भी बहुत ही ख़राब लग रहा है। क्योंकि इस बार ना बहुत इंजॉय किए हम लोग ससुराल में, बहुत इंजॉय किए, फिर उधर से मायके गए तो वहाँ पे भी इंजॉय किए, तो इसीलिए मन बहुत ख़राब है, उन लोग को भी ख़राब लग रहा है। तो कोई बात नहीं, और बकरीद में फिर से हम लोग जाएंगे, और इस बार सोचे हैं और ज़्यादा रहेंगे ससुराल में, तो चलो ठीक है जो भी है। और कल आके, कल संडे था तो कल मैं संडे आ गई, संडे रात में हम लोग पहुँचे यहाँ पे। और रात में पहुँच के मैं देख रही, मेरा घर का हालात इतना मतलब बिखर के है, पूरा घर किसी जंगल से कम नहीं है। एक्चुअली बात ये है, ये तो थे एक हफ्ता के बाद ये आ गए थे, तो एक हफ्ता के बाद फिर मैं आई, तो ये सिर्फ क्या किए, ऑफिस गए और खाना खाए, टीवी देखे और ऑफिस चले गए हैं। जेंट्स लोग करते भी क्या है, फिर भी अब मतलब सब चीज़ को अपने अपनी जगह में रखते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा घर ठीक लगता। लेकिन पूरा घर देख के मेरा मतलब सिर चक्कर आ गया कल रात में। तो रात में एक तो मैं टायर्ड थी, तो इस चलते कुछ नहीं कर पाई, फिर आके मुझे खाना भी बनाना पड़ा। तो मैं सोची चलो कल मंडे है तो एक नान से सारा काम हो जाएगा। मतलब क्या बोलूँ आप लोग को, घर देख के मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी घर बिखर के है, लग रहा है कब तक मैं घर को ठीक करूँ। जस्ट मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद अपना काम पे लग जाऊंगी। तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं, एक ब्लॉग बन जाएगा, नहीं तो फिर ब्लॉग बनाने का भी टाइम मुझे नहीं मिलेगा। और मायका और ससुराल से मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और आरुष आ जाओ इधर। तो आरुष का आज स्कूल खुलने वाला था लेकिन फिर से बंद हो गया गर्मी के चलते, तो फिलहाल आरुष घर में है और सबको सलाम करेगा। आरुष लो। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम भी मैं ठीक हूँ। और मजा आया दादाजी के घर में और नाना जी के घर में? मजा आया? हाँ, बहुत एंजॉय किया ना आरुष? हाँ। लग रहा है, चलो साफ करते हैं। आरुष भी बोला है मम्मा हेल्प करेंगे, कितना हेल्प करेगा मुझे पता है, उससे अच्छा हेल्प नहीं करे। चलो चलो काम स्टार्ट करते हैं। तो क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सोची चलो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मेरा घर का हालत सही में किस टाइप का हो गया है। तो बस मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ। सारा सामान देखिए इधर उधर गिर के है, सामान के जगह में सामान नहीं है। डाइनिंग टेबल पे देखिए क्या है, जो फ्रिज में जो सामान रहता है ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ वो सामान डाइनिंग टेबल पे है। और बेड देखिए कैसा, जैसे कि तैसी होके है पूरा। मैं बोली ना घर किसी जंगल से कम नहीं लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, क्लीनिंग तो मुझे ही करना है, तो काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाइनिंग हॉल से अपना क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। और कपड़ा वगैरह को मैं अपने पे जगह में तो नहीं, जो जो कपड़ा को धोना है उसको मैं धुलने के लिए दे दूँगी, और जो जो कपड़ा ऐसे ही है उसको मैं बेड के ऊपर रखूँगी, फिर उसको फोल्ड करके अपने पे जगह में रखूँगी। तो कपड़ा वगैरह हट गया है देखिए, तो थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। फिर इसके बाद डस्टिंग का काम करूँगी। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो क्लीनिंग का शुरुआत मैं डाइनिंग हॉल से ही करती हूँ, ताकि डाइनिंग हॉल अगर क्लीन दिखे तो घर अच्छा दिखता है। और देखिए डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रिज के ऊपर जो सामान ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, सामान को एक एक करके उठा के फ्रिज के ऊपर मैं रख दे रही हूँ, ताकि फ्रिज का ऊपर भी अच्छा साफ़ सुथरा दिखे, वो भी ऑर्गेनाइज हो जाए और डाइनिंग टेबल जो की है वो भी क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद मकड़ी का जो जाल है उसको मैं साफ़ करूँगी, और धीरे धीरे एक एक करके सारा क्लीनिंग जो है वो मैं करती जाऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा किचन का हालत देखिए कैसा है,
किचन में सारा सामान इधर उधर होके है, इतना गंदगी है किचन में। तो मैं घर जाने के पहले किचन का डीप क्लीनिंग तो मैं करी थी, तो अभी मैं डीप क्लीनिंग तो नहीं करूँगी, तो सारा सामान को मैं हटा के किचन को क्लीन कर लूँगी। और किचन में देखिए बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, तो अभी मेरा मेड आने वाली है तो वो बर्तन वगैरह क्लीन कर देगी, तो फिर सामान को सारा अपने अपने जगह में ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी और फिर किचन को मैं धीरे धीरे क्लीन कर लूँगी। और इधर मैं डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारा घर को जो है क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, सोफ़ा में देखिए कितना डस्ट बैठ गया है, तो चलो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और डाइनिंग हॉल मेरा पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो चुका है और किचन भी क्लीन हो चुका है। और मेड जस्ट अभी अभी काम करके गई, तो वहाँ पे सिर्फ थोड़ी बहुत बर्तन पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं अरेंज करके रख दूँगी, वो थोड़ा सा पानी उससे हट जाएगा। तो और किचन फ्लोर सारा कुछ क्लीन हो चुका है। और फिर मैं आ गई हूँ बेड पे, तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा लेके गई थी तो वो सब बैग से निकाल रही हूँ, और जिसको जिसको धुलने देना है उसको मैं अलग करके रख रही हूँ, और जिसको नहीं धुलना है उसको मैं अलग करके रख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो इवनिंग से फिर से मैं ब्लॉग को रीस्टार्ट कर रही हूँ, और अभी हो गया है शाम का 5:30। तो उस टाइम मैं ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि क्लीनिंग का काम कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाई और सिंपल सा खाना बनाई थी मैं आज, दाल आलू चोखा और ऑमलेट बनाई थी, बस हो गया। क्योंकि क्लीनिंग का काम इतना था कि वो सब करते करते मेरा बहुत टाइम चला गया, तो सिंपल सा ही लंच बनाई आज, फिर उसके बाद खाना खा के तुरंत हम सो गए थे, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर अभी उठ गई। तो फिर मैं सोची चलो ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बोली थी ना कि ससुराल और मायके से मैं क्या क्या लेके आई हूँ, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो इसीलिए मैं सोची चलो शेयर कर लेते हैं। तो इसीलिए सब सामान को मैंने नीचे ही निकाल के रखी हूँ, जो कुछ लेके आई हूँ चलो देख लेते हैं, ठीक है चलो। और सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को नारियल, तो ये दो नारियल मेरे मम्मी दी है, ये मेरा फूफी का घर का नारियल है, फूफी ने दी थी तो बस मम्मी ने मुझे दे दी। और ये चावल का आटा है, मेरे सासू माँ ने दी है। और ये गोविंद भोग चावल है, तो मेरे सासू माँ और मम्मी दोनों ही मिला के दी है, कुछ सासू माँ दी है कुछ मम्मी ने भी दी है। तो इसका खीर बनाऊँगी और पुलाव भी बना सकती हूँ। और ये देखिए काली चना है,
तो ये मेरे सासू माँ ने दी है, ये ससुराल में मेरे खेती में होता है। तो और भी बहुत सारा दी थी सासू माँ ने, तो मैं क्या कि उसको सत्तू बना दी उसको, कुछ और कुछ खाने के लिए ऐसे ही फ्राई करके खाने के लिए दी है, रखी हूँ मैं। तो ये इसको मेरे सासू माँ ही दी है। और ये देखिए मसूर का दाल है, ये मेरे मम्मी ने दी है। मैं बोली ना, मम्मी और सासू माँ दोनों ही मिला जुला के दी है सारा सामान को, इसीलिए एक साथ ही में मैं रखी हूँ, क्या अलग अलग करके दिखाऊँ। तो ये मसूर का दाल अपना खेती का नहीं है, ये खरीद के ही दी है मम्मी, क्योंकि यहाँ पे मसूर का दाल अच्छा नहीं मिलता है। और ये देखिए ये जर्दा सेवाई जो बनता है ना, वो सेवाई है, तो ईदी में भी मिला था, फिर मम्मी ने बोला फिर लेके जाओ, क्योंकि इसको मैं जर्दा करके बनाती हूँ, जर्दा सेवाई बनाती हूँ, और इनको बहुत पसंद है, तो बोले चलो लेके जाओ। तो ये बस लेके आई। और ये देखिए ये है पिस्ता, तो ये मेरा एक्चुअली मेरा भाई ने लेके आए, मेरे भाई कश्मीर में रहते हैं, तो मेरा भाई वहाँ से लेके आए हैं, तो मेरे मम्मी ने बोले चलो लेके जाओ। और ये अखरोट है, ये भी कश्मीर से लेके आए हैं, मेरे भाई कश्मीर में रहते हैं, तो कश्मीर का अखरोट, बादाम, पिस्ता ये सब लेके आए हैं, तो मम्मी ने मुझे दे दिया, क्योंकि आरुष बहुत खाना ये पसंद करता है। और ये बादाम, तो सासू माँ ने कुछ दिया है, मम्मी ने कुछ दिया है, ऐसे ही करके मिला जुला के फिर सामान सब लेके आई ही। और घी, हाँ घी, सिर्फ घी को मैं दिखाना भूल गई, जो मेरे सासू माँ ने दी थी उसको मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि उसको मैं फ्रिज में रखी हूँ। अभी गर्मियों के दिन में ना वो क्या हो रहा है, पूरा पूरा गल जा रहा है एकदम सा, तो फिर उसको मैं फ्रिज में रखी थी, तो मैं उसको दिखाना मैं भूल गई। तो सासू माँ ने घी भी मुझे दी थी, सिर्फ उसको ही दिखाना मैं भूल गई, बाकी सारा सामान मैंने दिखा दिया आप लोग को। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसे लगा, और आप लोग भी मायके जाती हो तो क्या क्या उठा के लेके आते, उठा के नहीं, क्या क्या मिल लेके आती हो ससुराल मायके से, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं इतना एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरे कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़।